सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन हुआ, सीएम योगी ने किया सम्मेलन को संबोधित। आगरा में बसपा करेगी विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित, चुनाव के मद्देनजर सम्मेलन होगा आयोजित, कई बीएसपी कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। सुल्तानपुर में आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों में हुई फायरिंग, हादसे में दो लोग घायल, प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी वारदात। पीलीभीत में एक और घूसखोरी की वारदात, घूसखोर बाबू का वीडियो वायरल, एरियल निकालने के नाम पर मांगे थे पैसे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। आगरा में बसपा का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इस सम्मेलन में बाबू मुकरनाथ अली और पंडित श्याम सुंदर शर्मा भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सम्मेलन में बसपा कार्यकर्ताओं का 2022 के चुनाव को लेकर आह्वान भी किया जाएगा। वहीं ये सम्मेलन आगरा के GIC ग्राउंड में किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में बसपा के कार्यकर्ता मौजूद रहने वाले हैं। तो आगरा में ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ये विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, उसकी तैयारियां कितनी जोरों पर चल रही हैं, भारी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर पहुंचेंगे, इसीलिए तैयारी भी उसी हिसाब से की जा रही है। आपको बता दें कि चुनाव के मद्देनज़र ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। दशहरे के बाद से ही दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मौसम बदलने के साथ ही लोगों को भले ही भीषण गर्मी से राहत मिल रही हो, लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए सर्दियों की आहट राहत से ज़्यादा आफत का कारण बन जाता है। हालांकि आज हल्की बारिश से प्रदूषण में मामूली कमी जरूर आई है, लेकिन एक बड़ी आबादी के लिए टेंशन अब भी बरकरार है। दिल्ली में हर दिन के साथ बढ़ते प्रदूषण से माथे पर लकीरें घेरी होती जा रही है। दरअसल आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर 4 अक्टूबर को AQI 91 था, जो संतोषजनक की श्रेणी में आता है, जो एक हफ्ते बाद यानी कि 11 अक्टूबर को बढ़कर 166 हो गया है। ऐसे में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने लोगों की मदद से प्रदूषण के खिलाफ मुहिम का ऐलान भी किया है। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर यानी कि सोमवार से इस अभियान की शुरुआत हो गई, जिसके तहत केजरीवाल ने लोगों से रेड लाइट ऑन होने पर गाड़ी बंद करने और हफ्ते में एक दिन कार न चलाने की अपील भी की है। सुल्तानपुर में आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों में फायरिंग हो गई, जिसमें दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए कादीपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, जहां जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। कहाँ से कहाँ क्या रहे? अच्छा, तो क्या मामला हुआ? अरे मामला का पीछे गोली चला दी। गोली चला दिए। अनुज कुमार सुभाष यादव और निखिल सिंह व रणजीत सिंह के बीच पुराने रंजिश को लेकर के आपस में फायरिंग हुई। फायरिंग में अनुज कुमार के कमर पर और सुभाष यादव के कंधे पर गोली लगी है। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी के बाद पुलिस को 3 क्षतिग्रस्त बाइक बरामद हुई है, 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। मौके पर पुलिस मौजूद है, कोई लाल ऑर्डर की समस्या नहीं है और घायलों को इलाज हेतु CHC रिफर किया गया है और मुकदमा लिख करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
गाजियाबाद के थाना इंद्रपुरम स्थित गांव मकनपुर में एक परिवार में संपत्ति के बंटवारे को लेकर इस कदर मारपीट हुई कि इसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। मिले जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि पुलिस की ओर से अभी तक कोई भी कार्रवाई इस पूरे मामले में नहीं की गई है, जिसके चलते एक पक्ष काफी डरा और सहमा हुआ है। तो गाजियाबाद की तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से संपत्ति के बंटवारे को लेकर दो पक्षों में ये मारपीट हो गई। किसी ने इसका वीडियो बना लिया। अब वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। आगरा में शॉर्ट सर्किट के चलते एक फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई। इस पूरे हादसे के बाद से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया है, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जल कर राख हो गया। यूपी के पीलीभीत में एक और रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एवियर निकालने के नाम पर घूस लेते हुए एक घूसखोर का वीडियो वायरल हो गया है। दरअसल पीलीभीत के बेसिक शिक्षा विभाग में एक बाबू पर रिश्वत लेने का आरोप एक परिवार ने लगाया है। पीड़ित की माने तो ये परिवार अपने एवियर के लिए शिक्षा विभाग के चक्कर काट रहे थे, और वही एवियर निकालने के नाम पर विभाग में मौजूद बाबू ने उनसे रिश्वत की मांग की। वही इस दौरान बाबू का रिश्वत लेते हुए वीडियो किसी ने बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। तो ये वीडियो साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से ये बाबू घूस ले रहा है, और ऐसे में ये वीडियो भी बना लिया गया, जिसके बाद अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस समय आप सोचो सिली ग्रांड नहीं है, चलो फिलहाल जो दे रहे हैं आप बताओ सिली ग्रांड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस समय आप सोचो सिली ग्रांड नहीं है, चलो फिलहाल जो दे रहा हूं आप बताओ से लेकर नहीं, वो तो फिलहाल नहीं है, तो वो मैं कैसे कर रहा हूं, वो मेरी मजबूरी है, मैं इसलिए उसमें नहीं कह सकता मजबूरी है। आप अभी रहने तो मैं अरे रख अरे रख हरदोई में टैंकर से कुचल कर दो महिलाओं की जान चली गई। बताया जा रहा है कि महिलाएं सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली थीं, वहीं इस दौरान सड़क पर गुजरने वाले एक तेज रफ्तार टैंकर ने दोनों को कुचल दिया, जिससे दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो हरदोई का यह पूरा मामला है, जहाँ पर मॉर्निंग वॉक पर गई दो महिलाओं को टैंकर ने कुचल दिया, जिससे दोनों की ही मौके पर मौत हो गई है। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के गुजरान डेरी गांव में कुछ कार सवार अज्ञात बदमाशों ने देर रात ट्रांसपोर्ट ऑफिस के बाहर जमकर तोड़फोड़ की, साथ ही वहां फायरिंग भी की गई और मौके से फरार हो गए। वहीं गोली चलने के बाद आसपास के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। खबरों की माने तो इस हादसे के बाद वहां के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की अब छानबीन में जुट गई है। तो ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में बदमाशों ने फायरिंग की, और ऐसे में फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ट्रांसपोर्ट ऑफिस पर यह फायरिंग की गई है बदमाशों की तरफ से। हालांकि जब आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, तो पुलिस ने अब मामले की छानबीन कर रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, और ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं ये इन तस्वीरों से ही आप देख सकते हैं, किस तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफिस के पर उन्होंने ये ताबड़तोड़ फायरिंग की है।
आगरा में माता के पंडाल के चंदे को लेकर बंटवारे को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसमें मारपीट भी हुई। वहीं दोनों तरफ से जमकर हुई इस गाली गलौच और मारपीट में दोनों पक्षों में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को मेडिकल के लिए CHC केंद्र में भर्ती करा दिया है। वहीं पुलिस को दी जानकारी में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कई आरोप भी लगाए। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। तो आगरा का ये पूरा मामला है जहां पर दो पक्षों में ये विवाद हो गया। आपको बता दें कि माता के चंदे को लेकर बंटवारे को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद हुआ है, जिसमें दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए और ऐसे में कई लोग इसमें घायल भी हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के विजय नगर इलाके में एक सोसाइटी की 25वीं मंजिल से गिरकर दो जुड़वा भाइयों की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। साथ ही यह घटना 16 और 17 अक्टूबर की देर रात की करीब 1 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के विजय नगर थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ विहार की एक सोसाइटी में एक परिवार रहता था, जहां 25वीं मंजिल पर उस परिवार का घर था। वहीं 25वीं मंजिल पर रहने वाले इस परिवार के दो जुड़वा बच्चे 14 साल के सूर्य नारायण और सत्य नारायण आधी रात के बाद फ्लैट की बालकनी में खेल रहे थे और खेलते ही खेलते अचानक दोनों भाई बालकनी से नीचे गिर गए। पुलिस के मुताबिक जाँच में ये बात सामने आई है कि हादसे के वक्त घर में जुड़वा बच्चों की माँ मौजूद थी और दूसरे कमरे में बहन भी थी। पिता काम के सिलसिले में मुंबई गए हुए थे। पुलिस ने बताया है कि दोनों जुड़वा भाई अलग अलग कमरों में थे और रात 12 बजे मां सोने चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ, कैसे दोनों भाई रेलिंग के पार पहुंचे और फिर यह हादसा हुआ, इसका पता लगाने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। दिल्ली NCR के कई इलाकों में सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश होने से लोगों का मन सुहाना हो गया है। आपको बता दें करावल नगर, दिलशाद गार्डन, सीमापुरी, सीलमपुर, शाहदरा, विवेक विहार, लाल किला और प्रीत विहार सहित दिल्ली के अलग अलग जगहों और आसपास के क्षेत्रों में नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव जैसे इलाकों में भी भारी बारिश हुई है। ऐसे में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कल भी राजधानी में बारिश की पूरी संभावना है, जबकि अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहने के साथ मध्यम स्तर की बारिश भी हो सकती है, जिससे तापमान में भी कमी आने की संभावना है और हल्की ठंड भी महसूस होने लगेगी। साथ ही रविवार यानी कि आज न्यूनतम तापमान में भी कमी देखी गई है। लगातार बारिश काफी देर से हो रही है, जिससे तापमान में भी काफी गिरावट आई है और ऐसे में लगातार बारिश का सिलसिला 1 से 2 दिन और जारी रहेगा। कल भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे, साथ ही मध्यम बारिश भी हो सकती है, जिससे हल्की ठंड भी महसूस होगी और तापमान में भी गिरावट दर्ज होगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में 2017 के पहले जिन लोगों का शासन था वो भी सबके विकास की बात करते थे, पर विकास सिर्फ उनके परिवार का ही हुआ, उन्हें खुद का और खुद के परिवार के अलावा समाज और राष्ट्र के बारे में कोई चिंता थी ही नहीं। यही कारण रहा कि प्रदेश पिछड़ता गया, बदहाली होती चली गई, बेरोजगारी बढ़ती चली गई और दंगों की आग में प्रदेश को छूक दिया गया। अब जब प्रदेश विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है तो उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि पर्व त्योहार आते थे, व्यापार का समय होता था तब प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था, दंगे होते थे क्योंकि पिछली सरकारों की फितरत ही दंगा कराना था, वो दंगइयों को आश्रय देकर आगे बढ़ाते थे और दंगों से प्रदेश की जनता प्रताड़ित थी, झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते थे, जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी, जो दिया बनाता था उसके दिए
तोड़ दिए जाते थे। उसके बाद पर्व त्योहार को अंधेरे में ही धकेल दिया जाता था, लेकिन विगत 4.5 सालों में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगाइयों को पहले दिन से ही संदेश दे दिया गया था कि अगर दंगा करोगे तो अगली पीढ़ियों का पट्टा लिखकर ले जाने को भरपाई करते रहेंगे। जो दंगा नहीं हो सकता प्रदेश में अब पर्व त्योहार खुशी से मनाए जाते हैं। आगरा में आरएलजी का मुखिया जयंत चौधरी आशीर्वाद पथ सभा के माध्यम से जनता का समर्थन जुटाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर को फतेहपुर सीकरी में आरएलजी की आशीर्वाद पथ जनसभा निकाली जाएगी। वहीं ये यात्रा कई जिलों में आयोजित होगी, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, जो विशेष रूप से हमारी जो आशीर्वाद पथ यात्रा जो कि हमारी 7 अक्टूबर से नूरपुर जो चौधरी चरण सिंह जी की जन्मस्थली है वहां से शुरू की है हमारे आदरणीय जयंत चौधरी जी ने, उस यात्रा को लगातार निरंतर जन समर्थन मिल रहा है और 30 तारीख को बड़ौत में उसका समापन होगा। हमारे बीच में वो 18 तारीख को यहाँ फतेहपुर सीकरी करावली में भी उस रैली को वो संबोधित करेंगे। उसके पीछे उनका मकसद ये है कि जो रस्म पगड़ी के बाद जो लोगों का प्यार उनको मिल रहा है उनका आशीर्वाद लेने के लिए, वो जनता के बीच में सर्व समाज का आशीर्वाद लेने के लिए वो पधार रहे हैं 18 तारीख को। इसके अलावा एक विशेष रूप से जो घोषणाएं उनकी हैं, जो लोक संकल्प जो समिति है हमारा, लोक संकल्प 2022 का जो हमारा जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर वो प्रत्येक एक घोषणा उन्होंने 2022 का लक्ष्य रखा है, यानी 22 का संकल्प और 22 ही घोषणाएँ हैं जो प्रत्येक रैली में वो एक एक घोषणा को करते जा रहे हैं। तो बहुत सारे पुलिस कर्मियों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, हमारे दलित समुदाय के लिए, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, बाबा अंबेडकर जी की जयंती पर, काशीराम जी की निर्वाण तिथि पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को घोषित किया है। गाजियाबाद में राष्ट्रीय लोक दल पार्टी ने आशीर्वाद पद के नाम से जन रैली का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्रांसपोर्ट और किसानों के लिए बेहतर काम करेंगे। साथ ही किसानों की आय दोगुनी होगी, जो कि वर्तमान सरकार आज तक नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो किसानों को 12,000 रुपये सालाना देंगे। चलिए अब सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। सम्मानित नेतागण आए हैं, मैं वो सूची प्रेस मीडिया के सामने और आप सभी उपस्थित भाइयों